टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक यूपी में कानपुर से विधायक रहे अजय कपूर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारे युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, महंगाई है और सरकार सीएए की बात करी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि लोगों को धमकी देकर चंदा लिया जा रहा है। ईडी, सीबीआई और आईटी से डरा धमका कर चंदा लिया जा रहा है। आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक होगी। लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आज आ सकती है। इस लिस्ट में 140 से 150 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। मंगलवार 11 मार्च को अंधेरी इलाके में स्थित एक 5 सितारा होटल के एक कमरे में एक 62 वर्षीय अमेरिकी नागरिक मृत पाया गया। हरियाणा में बीजेपी की नई सरकार बन गई है। पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह अब नायब सिंह सैनी के हाथों में हरियाणा की कमान सौंपी है। आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा, जहां सैनी सरकार को बहुमत साबित करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरज पोर्टल लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री देश भर के विभिन्न राज्यों के हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से ऋण सहायता प्राप्त लाभार्थियों से बात करेंगे। एसबीआई ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित दस्तावेज और आंकड़ा पेश कर दिया है। एसबीआई को 12 मार्च यानी मंगलवार तक ब्यौरा सौंपने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी थी। चुनाव आयोग को 15 मार्च शाम 5 बजे तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी पोर्टल पर सार्वजनिक करनी है। महाराष्ट्र के मुंबई से एक 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया है। नेपियन सी रोड इलाके का यह मामला है, जहां कई कई बड़े व्यापारी और नेता रहते हैं। बुजुर्ग महिला का नाम ज्योति शाह था। सांसद राहुल शिवारे ने मुंबई के कई स्टेशनों के नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि लोगों की मांग पर सरकार कॉलोनियल काल के दाग को मिटाना चाहती है। उद्धव ठाकरे ने एक जनसभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएए कानून को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर धर्मों के बीच नफरत पैदा करने का आरोप लगाया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में ये बदलाव करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो देश में फिर कोई चुनाव नहीं होगा। उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को बीजेपी छोड़ने की सलाह देते हुए यह कहा था कि अगर वह एमवीए से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित की जाएगी। उनके इस बयान को गडकरी ने हास्यास्पद बताया। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी मनसे को बड़ा झटका लगा है। फायरबर्न नेता वसंत मोरे ने प्राथमिक सदस्य और अन्य सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। केंद्र सरकार के सीए कानून लगने के फैसले पर प्रभात लोढ़ा ने कहा कि जिन लोगों के साथ अत्याचार और अन्याय हुआ, जिन्हें 75 से 100 साल से सहन करना पड़ रहा था, उन्हें अब न्याय मिलेगा। दो दिनों से कायम प्रेशर के बाद आज बुधवार को घरेलू बाजार ने राहत की सांस ली। वैश्विक बाजार से मिल रहे सपोर्ट के बीच दोनों प्रमुख घरेलू सूचकांकों बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी ने सप्ताह के तीसरे दिन कारोबार की शानदार शुरुआत की। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई मेट्रो वन में अनिल अंबानी की कंपनी की हिस्सेदारी के सौदे को मंजूरी दे दी है। राज्य के मंत्रिमंडल ने यह मंजूरी इसी सप्ताह दी। इसके बाद अब मुंबई मेट्रो वन में अनिल अंबानी की हिस्सेदारी बिकने का रास्ता साफ हो गया है। रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन के मामले में फ्रॉड पर अपना रुख सख्त किया है। इसके लिए सेंट्रल बैंक ने सभी बैंकों से कुछ जरूरी जानकारियां देने के लिए कहा है। बैंकों को गोल्ड लोन में रिपोर्ट किए गए फ्रॉड पोर्टफोलियो में डिफॉल्ट और पैसे रिकवर करने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी देनी होगी। कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट दोनों 15 मार्च को शादी के बंधन में बंधे जा रहे हैं। 13 मार्च यानी आज से दोनों की शादी के फंक्शन शुरू होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस जोड़ी की शादी गुरुग्राम के मानेसर में आईटीसी ग्रैंड में होगी। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।